स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। चाहने वालों, आइए देखते हैं कि रन विजय इस ह्यूज आंकड़े को पार कर पाते हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं कि रन विजय को कितने वोट्स मिले हैं। आइए, गलत फहमी मत रख रणदी कि मैंने तेरे साथ जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि मुझे अपनी काबिलियत पर शक है। नहीं, इस कॉम्पिटिशन को जीतना सिर्फ मैं ही डिजर्व करता था और करता हूं। तू मुझसे नहीं जीत सकता रणदी। और आज इसका फैसला हो जाएगा। मुझे वोट्स की गिनती, तुम किस उम्मीद में खड़े हो यहाँ? तुम्हें तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अनमोल। कॉम्पिटिशन रन विजय नहीं देव, मैं कॉम्पिटिशन ऐसे नहीं जीतना चाहता। लेकिन रन विजय, कॉम्पिटिशन आवाज और हुनर का है और मैं चाहता हूं अगर मैं जीतूं भी तो अपने हुनर अपने संगीत पे जीतूं, ऐसे नहीं। और यह देखना भी बहुत जरूरी है कि अगर सिर्फ वोट्स के बूते पे ये कॉम्पिटिशन जीतना होता तो कौन जीतता। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसे ही से। I'll see you on the stage. तो ठीक है अनमोल, आज हमारी जंग के बीच का ये आखिरी पड़ाव है। देखते हैं कि किसके नसीब में जीत है और किसका हुनर बड़ा। आज तुम्हें बहुत बड़ी गलती कर दी रणवी। मैंने अपने जिंदगी में बहुत बाजियां हारी हैं, लेकिन आज नहीं हारूंगा। ये कॉम्पिटिशन तो मैं ही जीतूंगा। वेलकम बैक टू जुनून 2014। इट्स टाइम फॉर रिजल्ट्स नाउ। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अनमोल एंड रन विजय। स्क्रीन आपको बताएगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अनमोल को कितने वोट मिले हैं। आइए,
चाहने वालों, आइए देखते हैं कि रणविजय इस ह्यूज आंकड़े को पार कर पाते हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं कि रणविजय को कितने वोट्स मिले हैं। आइए, ऐसा हुनर बहुत कम लोगों को देता है अनमोल। अगर कुछ जीतना ही है ना तो अपनी आवाज से लोगों का दिल जीत। देखो कौन मिलना है तुमसे। इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम, इसी ने रणविजय को किडनैप किया था। योर गेम इज ओवर। रणविजय सबसे पहले मैं उस इंसान का नाम लेना चाहूंगा जिसका मेरी सफलता में बहुत बड़ा हाथ है, मेघा जी। मेघा जी ने मेरी गुरु बनके मेरा बहुत साथ दिया। आज शायद उनकी वजह से ही मैं यहाँ खड़ा हूं और
है मेरे हाथ में। मेघा जी, मैं जिंदगी भर आपका एहसान मंद हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना, कोई बड़ा ख्वाब देखो तो उसकी मंजिल का सफर आसान नहीं होता, और मेरे लिए भी इस मंजिल का सफर आसान नहीं था, लेकिन मैं खुशनसीब था क्योंकि मेरी जिंदगी में एक ऐसी नन्ही परी है जो मेरी हर तकलीफ, हर परेशानी, यहाँ तक कि मेरी किस्मत से भी लड़ जाती थी। और वो नन्ही परी है मेरी बहन, मेरी विराकड़ी, मेरी वीरा। अगर मैं यहाँ आप सबके सामने खड़ा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ वीरा की वजह से। वीरा ने सिर्फ मैनू आप देखना ही नहीं सिखाया, यहाँ तक कि उन्हें पूरा करना। आज मैं अपनी बहन वीरा को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। वीरा, ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।